एसटीवी न्यूज़ पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। करगी रोड कोटा लगातार बारिश होने के बाद अचानक मौसम के खुलने से तेज धूप निकलने के बाद मौसमी वायरल फीवर से मरीजों की भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में बढ़ गई है। ओपीडी में डॉक्टरों के बाहर मरीजों का तांता लगा हुआ है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या जवान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में डॉक्टरों की कमी तो शुरुआत से ही बनी हुई है। कुछ डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में थे, स्वास्थ्य महकमा ने उनका भी ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करना अच्छी बात है, पर ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए स्थान में दूसरे डॉक्टर को भेजना भी राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य महकमा ट्रांसफर को लेकर इतना संजीदा है तो सालों से पड़े हुए कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विकास खंड में डॉक्टरों और कर्मचारियों का स्थानांतरण करें जो कि अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। खासकर कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की इतनी कमी है कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा रतनपुर CAC और RMI डॉक्टरों को बुलाकर बैठाया जाता है। कभी कभार CHC कोटा में ड्यूटी लगने के बाद भी अपना गुस्सा मरीजों पर निकालते हैं RMI व अन्य डॉक्टर। ये दवाई कहाँ से लेके आ रहे हो? यही बगल के दुकान। कौन लिख के दिया इसको? ये सामने में अभी डॉक्टर बैठे थे। तो आप बोले नहीं यहाँ की दवाई लिख के दीजिए करके? मैंने इधर पढ़ी कर सब यहाँ भैया। नहीं यहाँ गए थे आप देखने? ओपीडी गए थे पूछने यहाँ दवाई लिखने? हाँ तो क्या बोला है? हाँ मैंने ही कही अपनी बीमारी का समय चल रहा है अभी फिलहाल। तो आए दिन कम से कम यहाँ 200-250 मरीज लोग आते हैं, चाहे शहर के हो चाहे गाँव के। उसी को लेकर आज मैंने भी घर में बीमार की वजह से बच्ची को मैं भी लेके आया था, पर यहाँ पर आकर देखता हूँ कि लगभग यहाँ पर जितनी भी जो दवाइयाँ सरकारी दवाइयाँ होनी चाहिए वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। जो भी डॉक्टर थे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे उनका ये कहना था कि हम सरकारी दवाई लिख रहे हैं। OPD में सरकारी दवाइयाँ नहीं हैं। जब OPD से पूछने पर पता चला तो OPD ने कहा कि हमने एक महीने से दवाइयों के बारे में जानकारी दे दी है, वो दवाइयाँ आ नहीं रही है CGMAC से। तो उसी बात को हमने कहा कि जब दवाइयाँ आ नहीं रही तो फिर डॉक्टर लिख क्यों रहे हैं? तो फिर बाकी और 2-4-5 मरीजों को भी देखा मैंने, तो 2-4-5 मरीज भी जाके दवाइयाँ बाहर से ले रहे हैं। और जानकारी यहाँ तक मिली कि जो OPD के अंदर जो बैठे हुए हैं उनका बाकायदा मेडिकल स्टोर का नाम लेके भेजा जा रहा है, जो कि आपको भी मालूम होगा कि कमीशन बेस में भी दवाइयाँ बाहर बिकती हैं करके। तो जब आपको मालूम है डॉक्टर साहब को भी, जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी, मैं डॉक्टर साहब जब दवाइयाँ जब CGMAC सप्लाई नहीं है या हैं तो फिर OPD में क्यों नहीं मिल रही? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गैर जिम्मेदाराना बयान। अगर डॉक्टर का सीधा सीधा कहना था कि हम तो दवाई लिखने का काम करते हैं। होटल में सर कुछ दवाई जो डॉक्टरों द्वारा लिखा जा रहा है वो दवाई वहाँ उपलब्ध नहीं है सर, और बता रहे हैं ग्रामीणों द्वारा महीनों से ये स्थिति है। तो उसकी जांच मैं करवाता हूँ अभी। मुझे शिकायत तो मिली है कि लोग बाहरी दवाई भी लिख रहे हैं और दवाइयाँ नहीं हैं, तो मैं जाँच करवाऊँगा। जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या है। वही मेडिकल स्टोर बगल में सर, उनसे इनका कुछ साठ गाठ का भी बात आ रही है। फिर वो जाँच भी तो पता चलेगा। अच्छा आनंद तिवारी, SDO।